प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और ये लॉकडाउन का सेशन चल रहा है, इसी के साथ आज हम लेके आए आप लोग के वीडियो क्लास के जरिए क्लास 4 का जीके, जो कि चैप्टर 1 है, वो है ग्रेट इंडियंस इन हिस्ट्री, मतलब इतिहास में भारतीयों का, महान भारतीयों का योगदान। तो इसी के साथ आज जीके इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सबको अच्छा लगता होगा उम्मीद करते हैं, क्योंकि जीके जो है हम लोग के आसपास के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, और हमारे पूर्वज लोग के बारे में, हिस्ट्री हो गया, हर तरह की बात है, ठीक है। शुरू करते हैं ग्रेट इंडियन इन हिस्ट्री, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू इज ए बंडल ऑफ कंट्रडिक्शन हेल्ड टूगेदर बाई ए स्ट्रॉन्ग बट इंडिविजुअल थ्रेड्स। मीन्स कहा जा रहा है कि हमारे हिंदुस्तान का जो इतिहास है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो है, वो बंडल ऑफ कंट्रडिक्शन मीन्स इतिहास की सारी चीज़ों को कंट्रडक्शन करके, मीन्स एक जगह ला करके हम लोग को इंडिविजुअल थ्रेड्स मतलब आमने सामने करवाए हैं। द हिस्ट्री ऑफ दिस एस्ट्रोनॉसिंग सब कॉन्टिनेंट डेट्स बैक टू ऑलमोस्ट 7500 ईयर्स, इन 7500 साल से बैक टू बैक डेट के अनुसार उसी प्रकार से हम लोग को बताया जाता है, ठीक है। द फ्लोइंग इंडियंस विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड इन द हिस्ट्री, मीन्स नीचे कुछ दिया हुआ है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, वो लोग को हमेशा याद रखा जाएगा इतिहास के पन्नों में, ठीक है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। दिया हुआ है आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम, मीन्स ढूंढना है और बताना है कि उनका नाम क्या है। ही वॉज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मीन्स बोल रहा है कि जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या शिक्षक रह चुके हैं, गुरु, ठीक है, गुरु, टीचर मीन्स गुरु, ठीक है। द फर्स्ट मौर्यन एम्पायर, मीन्स चाणक्य कौन था, मौर्यन एम्पायर का पहला शासक था, ठीक है। हिज बुक अर्थशास्त्र इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, और इनका जो जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उनका बुक है अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वेलफेयर से है, इंटरनेशनल रिलेशन एंड वार स्ट्रेटजीज से है, ठीक है। जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है। ये जो कि चंद्रगुप्त मौर्य पहला मौर्य थे, ठीक है, शासक थे। और ये जो है अर्थशास्त्र बुक लिखे जिसका रिलेशन इकोनॉमिक्स से है, वेलफेयर इंटरनेशनल रिलेशन से है और बार स्ट्रेटजी से है। आप कह सकते हैं कि लड़ाई का जो स्ट्रेटजी होता है उससे। तो ये कौन है, तो पहला का आपका क्या होगा, चाणक्य, ठीक है, चाणक्य, ठीक है। सेकंड देखते हैं, He was a great ruler who ruled over 269 BC to 232 BC, ठीक है। जिनके बारे में हम लोग बोल रहे हैं वो ग्रेट महान रूलर थे, जो कि 269 BC से 232 BC तक शासन किए थे। After a bloody battle of Kalinga, मतलब कलिंगा के मतलब सेना के सामने He embraced Buddhism, और ये बुद्धिज्म को अपनाए, ठीक है। He become known for philanthropism, और ये जाने जाते हैं philanthropism के बारे में, ठीक है, जाने जाते हैं philanthropism के बारे में ये जाने जाते हैं, ठीक है। And adherence to the principle of non-violence, truth, voice, truth, love and tolerance, और ये शांति के लिए भी जाने जाते थे philanthropism बनने के पश्चात। तो इनका क्या नाम है, तो आपका इनका नाम है अशोका, सेकंड में क्या होगा, अशोका, ठीक है। थर्ड देखिए, ये सब जितने भी है ग्रेट इंडियन हिस्ट्री है, इतिहास के जो सुनहरे अक्षरों में लिखने वाला जो नाम है वही लोग के बारे में लोग पढ़ रहे हैं। थर्ड नंबर देखिएगा, ही वाज ए फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनोमर, मतलब जिनके बारे में लोग ये पढ़ रहे हैं वो बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और एस्ट्रोनोमर हैं, ठीक है। ही वाज द फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के फाउंडर कौन है, जिनके बारे में हम लोग जिनका नाम हम लोग को पता करना है वो ट्रिग्नोमेट्री के फाउंडर हैं। इन एस्ट्रोनॉमी ही मेड एक्यूरेट कॉम्प्लिनेशन एंड लूनर इक्लिप्स एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, और ये जो है लूनर जो इक्लिप्स
है और सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ है उसके बारे में ये बताए थे। हिज वर्क इंक्लूड आर्य भट्टिया एंड आर्य सिद्धांता, और इनका जो जो क्या बोल सकते हैं आप अपने भाषा में, जो कोई राइटर होते हैं जो अपनी किताब लिखते हैं उसी को वर्क का प्रयोग तो काम के लिए आता है, लेकिन वर्क में जब एस लग जाता है तो वर्क मीन्स कार्य, वर्क मीन्स लेखन हो जाता है, ठीक है। तो वो लिखे हैं आर्यभट्टिया और आर्य सिद्धांता बुक लिखे हैं, ठीक है। तो वो कौन है? आर्यभट्ट। कौन है? आर्य भट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट, ठीक है। फोन नंबर देखते हैं। He was the king of Mewar, जिनके बारे में नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, ठीक है। A region in northwestern India in the present day state of Rajasthan, जो ये जो शासक जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो मेवाड़ के शासक थे और जो अभी फिलहाल भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है, ठीक है। नॉर्थर्न वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थर्न वेस्टर्न इंडिया जो कि अभी प्रेजेंट में राजस्थान में है, ठीक है। ही वाज द बिगेस्ट इनिमी ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का बहुत बड़ा दुश्मन थे। कौन थे जिनके बारे में पढ़ना है? ही फाउट द फेमस बैटल ऑफ हल्दीघाटी अगेंस्ट द अकबर बट वाज डिफीटेड, और ये फेमस लड़ाई लड़े थे हल्दीघाटी की लड़ाई जिसमें ये हार गए थे अकबर के खिलाफ। तो कौन थे वो? हल्दीघाटी की लड़ाई कौन लड़े हैं? महाराणा प्रताप। क्या होगा? फोर नंबर, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, प्रताप, ठीक है। ये चार नंबर में हुए। पांचवा में, He was the founder of मराठा एम्पायर, और ये जो मराठा एम्पायर है उसका फाउंडर थे जिनके बारे में ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। His mother जीजाबाई was deeply religious, और इनकी जो माता थी जीजाबाई, माता का नाम क्या था? जीजाबाई, वो धार्मिक थी, पूरी तरह से धार्मिक थी। He won the battle of Pratapgarh and defeated the forces of Bijapur Sultanate in 1659, और वो प्रतापगढ़ के राजा राजा थे, ठीक है, जीते थे प्रतापगढ़ को, बाजीपुर सुल्तानेट से जीते थे। कब जीते थे? 1659 में जीते थे। दिस मेड हिम ए हीरो ऑफ मराठा फोल्कलोर मींस, और यही कारण से उनको मराठा फोल्कलोर का ये बना दिया गया, क्या हीरो बना दिया गया, ठीक है। एंड ए लेजेंडरी फिगर एमंग हिज पीपल, और लोगों के सामने इनका एक लेजेंडरी फिगर बन के आया। वो कौन थे? शिवाजी। कौन थे? पांच नंबर में शिवाजी, शिवाजी, ठीक है, शिवाजी। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था ग्रेट इंडियंस हिस्ट्री के बारे में, पांच लोग के बारे में पढ़ना था और उनकी खूबियां और उनके कर्तव्य और क्या क्या वो किए, उनको किस नाम से जाना जाता था, क्या क्या चीज में वो विशेषज्ञ थे उसके बारे में बताया। उसी के हिसाब से आपका नाम उभर के आया, पहला में चाणक्य थे, सेकेंड अशोक, फोर्थ थर्ड में आर्यभट्ट, फोर्थ में महाराणा प्रताप, फाइव में शिवाजी। तो ये आपका था फर्स्ट चैप्टर जो कि आपको हम पढ़ा चुके हैं, और ये आपका होमवर्क रहेगा जो कि आपको याद करना होगा पूरा, पांचों उनको याद चाहिए बाय हार्ट। याद मीन्स वो होता है कि जो पूछे तो आप पूरी तरह से बताने में सक्षम हो, और जो बच्चे बुक नहीं खरीदे जल्द से जल्द खरीद लें क्योंकि आपका चैप्टर तो लगभग सब्जेक्ट में शुरू हो चुका है। और जो वीडियो को इग्नोर कर रहे हैं प्लीज इग्नोर ना करें, आप ही लोग की भलाई के लिए हम लोग कदम उठा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं, ये चैप्टर होमवर्क रहेगा, याद कर लेना है पूरे बच्चों को, ठीक है। धन्यवाद।